हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल भानुजी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपको और भी टेक्निकल वीडियोस की अपडेट देते रहें। हेलो दोस्तों, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अपने हेडफोन का। ये हेडफोन दोस्तों JBL का है और इस हेडफोन को मुझे यूज़ करते करते कम से कम 6 साल हो चुके हैं दोस्तों, और आज भी ये हेडफोन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों। पहले मैं सस्ते हेडफोन लिया करता था, कम से कम 250-300 के आसपास हेडफोन लेता था और वो चलते भी थे, और कभी कभी वो साल भर चल जाते थे। कभी उसमें वायर का प्रॉब्लम आ जाता था, तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता था जिससे वो हेडफोन जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी हेडफोन लेने के चक्कर में हैं या कभी आपको हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप भी म्यूज़िक सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये वाला हेडफोन ज़रूर लें दोस्तों, क्योंकि ये छोटा हेडफोन है, कहीं भी ले जा सकते हैं ट्रेवल में। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ नहीं है, गले में टांग लीजिए, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर आप इसको लगा के जब सुनेंगे तो उसका साउंड क्वालिटी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और इसका जो बेस है सर, बेस जो मैं इसका जो इसकी बेस की बात करूँ, उसका बेस बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी गाना प्ले करेंगे इसमें तो उसका जो बेस है बहुत ही अच्छा आता है। इवन इसका मतलब जो साउंड क्वालिटी है बहुत क्लियर है दोस्तों। अगर आप कोई साउंड का काम भी करते होंगे तो भी आपको ये हेडफोन लेना चाहिए, बहुत अच्छा हेडफोन है। और अगर आपको ये हेडफोन लेना है दोस्तों, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हैं। ये मुझे ऑनलाइन 900 रुपये का पड़ा था आज से 6 साल पहले, और अभी शायद ये 800 रुपये कुछ का पड़ेगा। जो भी प्राइस आप देख लीजिएगा अगर आपको इसको लेना है। और भी मैं अच्छे से अच्छे हेडफोन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप भी ये हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिव्यू ज़रूर दें मुझे, और इसे ज़रूर लें। ठीक है, बाय।